क्या भाजपा आजसू और जेडीयू के बीच फाइनली विधानसभा सीटों का बंटवारा हो गया है? जमशेदपुर पूर्वी और चंदन क्यारी सीट पर कौन लड़ने जा रहा है विधानसभा का चुनाव? ये तमाम सवाल एक बार फिर से उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, अब बस घोषणा करने की देरी है। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर देर रात तक चली इस बैठक में भाजपा के आला नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। बैठक में प्रदेश चुनाव समिति ने प्रत्याशियों की संभावित सूची भाजपा आला कमान को सौंपी है। चुनाव समिति ने हर सीट पर तीन तीन संभावित प्रत्याशियों के नाम दिए हैं। इस मीटिंग में रणनीति बनी कि पहली चरण में करीब आधे सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा सप्ताह भर में कर दी जाएगी। मतलब भाजपा की पहली लिस्ट में 30 से 35 सीटों पर उम्मीदवार दिख सकते हैं। पहली सूची में ज्यादातर एसटी सीटों और सिटिंग विधायकों की उम्मीदवारी का ऐलान होगा। इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से दूसरी लिस्ट भी निकाली जाएगी। बहरहाल अब आजसू और जेडीयू को लेकर क्या बात बनी, इस पर चर्चा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदेश महतो की पार्टी आजसू को भाजपा 7 से 9 सीटें देने को राजी हुई है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मात्र 1 से 2 सीटें ही मिलेंगी। इस पर सहमति बन गई है। जेडीयू को भाजपा तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीटें देंगी और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट को अपनी झोली में रखेगी। इसका मतलब यह है कि जेडीयू विधायक सरयू राय अपनी सिटिंग सीट जमशेदपुर पूर्वी से नहीं, बल्कि अपनी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि वह पश्चिमी सीट से साल 2005 और 2014 में बाजी मार चुके हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि जदयू में शामिल होने और सिटिंग विधायक होने के नाते जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट सरयू राय को ही मिलेगी, लेकिन अब भाजपा ने फैसला किया है कि उन्हें जमशेदपुर पश्चिमी में ही वापसी कराया जाएगा। पूर्वी सीट पर भाजपा अपनी पार्टी के किसी कैंडिडेट को उतारेगी। इसका कारण ये बताया जाता है कि पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सरयू राय ने पहली बार जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी सिटिंग सीट से धूल चटा दिया। इस बात से नाराज रघुवर दास ने शर्त पेश कर दी कि इस बार जमशेदपुर पूर्वी सीट सरयू राय को ना दी जाए, वरना वे बगावती तेवर अपना सकते हैं। ऐसे में भाजपा ने ऐसी बाजी खेली कि चित भी मेरी पट भी मेरी। वहीं दूसरी तरफ सरयू राय ने खुद ही ये कह दिया है कि गठबंधन के तहत उन्हें जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी जो भी सीट दी जाएगी वे उसी सीट पर लड़ने को तैयार हैं। सरयू राय ने तो दोनों संभावनाओं के आधार पर अपनी तैयारी भी कर ली है। वह पिछली बार की रणनीति के तहत जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में पहले से ही कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी के अलावा तमाड़ विधानसभा सीट भी भाजपा जेडीयू को देने को राजी हो गई है। पिछले दिनों राजा पीटर ने जेडीयू का दामन थाम कर ये अप्रत्यक्ष रूप से जता दिया था कि आगामी विधानसभा का चुनाव वह तमाड़ से ही लड़ेंगे और वह भी अपनी पुरानी पार्टी जेडीयू की टिकट पर। ये लगभग तय भी माना जा रहा है। हालांकि जेडीयू का दावा और भी सीटों पर था, लेकिन एनडीए गठबंधन के तहत उसे यही 1 से 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। बात करें आजसू की तो उसे भाजपा 7 या ज्यादा से ज्यादा 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देगी। इनमें से एक लोहरदगा विधानसभा सीट शामिल है, जहां से सुदेश महतो अपना उम्मीदवार दे सकेंगे। माना जा रहा है कि सीट से आजसू पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत को ही एक बार फिर से मैदान में उतारेगी, जबकि चंदन क्यारी सीट पर भाजपा ने आजसू के दावे को खारिज कर दिया है। एससी रिजर्व सीट चंदन क्यारी से फिलहाल नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी विधायक हैं, जिनकी कुर्बानी भाजपा किसी भी हाल में नहीं देना चाहती। मतलब साफ है, भाजपा नेता अमर बाउरी एक बार फिर से चंदन क्यारी सीट से चुनाव लड़ेंगे और आजसू अपनी इस पारंपरिक सीट से उमाकांत रजक पर दांव नहीं खेल सकेगी। वहीं इस पूरे मीटिंग के दौरान चिराग पासवान की पार्टी लोजपा पर
कोई चर्चा ही नहीं हुई। माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के तहत लोजपा को एक भी सीट नसीब नहीं होगी। इसके अलावा बैठक में कई संभावित प्रत्याशियों के नामों की छटनी भी की गई। एक एक सीट और उस पर आए नामों को बारीकी से छांटा गया और वैसे नामों को फाइनल किया गया जो पार्टी आलाकमान के अनुसार निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में उसे जीत दिला सकेंगे। अब जब एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो साफ हो जाएगा कि किन नामों को छांटा गया है और किन्हें चुनावी मैदान में मौका दिया जा रहा है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।